हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम हुआ था 2017 में। तो ये प्री के क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन आरबीआई असिस्टेंट और बैंकर के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो उन सभी के एस्पिरेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड भरना है जो दोनों ही फ्रेज में सूटेबल हो। फीट हो सकता है, हैंड हो सकता है, बास्केट हो सकता है, पास हो सकता है, बॉडी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड ऐसा आपको फिल करना है जो दोनों ही ब्लैंक्स में सूटेबल हो। ठीक है, तो ही स्ट्रेस्ड आउट हिज टू टेक द गेम डिफाइनिंग कैच। गेम डिफाइनिंग कैच या कोई सा भी मैच में जो हम कैच लेते हैं वो किससे लेते हैं? कैच हम किससे लेते हैं? कैच हम लेते हैं हैंड का यूज करके। तो यहां पर आपका आएगा हैंड। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ को फैलाया। और यहां पर क्या हो सकता है? यदि हैंड यहां पर बिल्कुल सही है तो यहां पर भी फिर हैंड ही आएगा। कैन यू प्लीज हैंड मी द फाइल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैबिनेट। क्या अलमारी के टॉप पर से, कैबिनेट के टॉप पर से वो फाइल्स आप मुझे दे सकते हैं? तो इसमें क्या समझ में आया आपको? इसमें हैंड का प्रयोग यहां पर हम नाउन की तरह कर रहे हैं और यहां पर वर्ब की तरह कर रहे हैं। कैन यू, कैन यू के बाद हम क्या लगाएंगे? कैन यू सिट, कैन यू गो, ठीक है, कैन यू टीच। तो यहां पर वर्ब ही आ सकती है, इस स्ट्रक्चर में यहां पर वर्ब ही आ सकती है। तो यहां पर हैंड का प्रयोग वर्ब की तरह हुआ है, यहां पर हैंड का प्रयोग नाउन की तरह हुआ है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों की तरह ही यूज होते हैं। तो इसलिए इसमें सही आंसर होगा आपका सेकेंड, हैंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट प्रॉपरली द एक्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द सफल बिकम्स इनकंसिस्टेंट। सफल क्या हो सकता है? सफल वैसे एक डिश होती है एग की, एग को बीट करके इसको बनाते हैं। तो विदाउट प्रॉपरली, सपोज यहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको सेकेंड क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। देखिए, ही वॉज एन एक्सपर्ट एट डिसगाइज एंड हैड नो प्रॉब्लम। देखिए, डिसगाइज क्या होता है? डिसगाइज का मतलब होता है वेश बदलना। ठीक है, अपना वेश बदलना, कभी पुलिस वाला बन जाना, कभी कभी साधु बन जाना, कभी चोर बन जाना, कभी पुलिस बन जाना, उसको हम बोलते हैं डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब है अपना रूप है, आपका जो गेटअप है, आपका जो वेशभूषा है, उसको बदलना और लोगों को ठगना, उसको डिसगाइज बोलते हैं। डिसगाइज का मतलब, डिसगाइज का पर्पज कुछ भी हो सकता है, लोगों को ठगना या भीड़ में खो जाना, मिक्स हो जाना, ये सारा इनका पर्पज हो सकता है। तो ही वॉज एन एक्सपर्ट एट डिसगाइज एंड हैड नो प्रॉब्लम विद द लोकल पॉपुलेस। लोकल पॉपुलेस मतलब लोकल जो जनता थी, वहाँ की पॉपुलेस थी, उसके साथ यदि आप वेश बदल लेते हैं तो उसके साथ आप आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, और वेश बदलने का रीजन भी यही होता है कि आप आसानी से उनके साथ मिक्स कर जाएं, जहाँ पर आप मिक्स करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्ड सही आ सकता है? ठीक है, अब इसमें आपको एक ऑप्शन, एक ट्रिक और देखनी होती है यहाँ पर, कि बगल वाला जो वर्ड है, जैसे ये जो वर्ड है, यहाँ पर क्या आ सकता है? देखिए, प्रॉब्लम और डिफिकल्टी के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का वर्ड यहाँ पर आपको चाहिए और एक ऐसा वर्ड भी चाहिए जिसके साथ विद जा सकता है। तो कंसीलिंग विद, कंसीलिंग का मतलब छुपना, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स हो जाना, अडेप्टिंग के बाद टू आता है अडेप्टिंग, बॉन्डिंग का मतलब अलग है। ठीक है, बॉडी, तो यहां पर आईएनजी वाला एक ऐसा वर्ड चाहिए जो विथ के साथ भी जाए। तो सही वर्ड यहां पर होगा ब्लेंडिंग। ही वॉज एन एक्सपर्ट एट डिसगाइज एंड हैड नो प्रॉब्लम ब्लेंडिंग विद द लोकल पॉपुलेस। उनको लोकल पॉपुलेस के साथ ब्लेंड करने में, मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि वो डिसगाइज करने में, वेश बदलने में माहिर था। अब चूंकि यहां पर ब्लेंडिंग सही है तो यहां पर भी ब्लेंडिंग सही होगा। एक को ब्लेंड करने की यहां पर हम बात कर रहे हैं। विदाउट, देखिए यहां पर भी विदाउट एक प्रपोजिशन है, विदाउट एक प्रपोजिशन है, तो विदाउट के बाद यहाँ पर भी हम आई एन जी फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स में आपको बता रहा हूँ। विदाउट प्रॉपरली ब्लेंडिंग द एक्स देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द सफल बिकम्स इनकंसिस्टेंट। मतलब एक्स को अगर अच्छे तरीके से आप ब्लेंड नहीं करते हैं तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि सफल जो बनेगा, जो डिश बनेगी वो इनकंसिस्टेंट रहेगी, सही तरीके से नहीं बनेगी वो। इनकंसिस्टेंट मतलब एक जैसी नहीं होगी वो, अगर उसमें पानी का जो लेवल है वो एक जैसा नहीं रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पूरे वीडियो क्लास को ध्यान से देखिए, इसमें मैं सारे करीब 10 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ही वॉन्टेड अ पैकेज्ड, नॉट ए लॉन्ग बोरिंग लेक्चर।
ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिस्पॉन्सिबिलिटी. वी फाउंड आउट सून इनफ दैट ही डाइड बिकॉज ऑफ द इन द बीकर. बीकर क्या होता है? बीकर यदि आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें बीकर होता है और उसके अंदर कुछ कुछ सब्सटेंस को या कुछ सॉल्यूशन को रखा जाता है. वी फाउंड आउट सून इनफ दैट ही डाइड बिकॉज ऑफ द, यहाँ पर एक्चुअली एक नाउन चाहिए आपको, बिकॉज ऑफ द यहाँ पर सॉल्यूशन वर्ड आ सकता है. सॉल्यूशन इन द वीकर, वीकर में कुछ सॉल्यूशन था और वो हो सकता है उसमें जहर हो या इस तरह की कुछ पॉइजनस हो उसमें, तो उसकी वजह से वो मर गया हो. वी फाउंड आउट सून इनफ, हमें जल्दी ही पता पड़ गया दैट ही डाइड, वह मर गया था बिकॉज ऑफ द सॉल्यूशन इन द वीकर, वीकर के अंदर सॉल्यूशन की वजह से. यहाँ पर सॉल्यूशन को हम एक नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर देखिए, ही वॉन्टेड अ पैकेज्ड सॉल्यूशन, किसी चीज का वो एक पैकेज सॉल्यूशन चाहता है, नॉट अ लॉन्ग बोरिंग लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन वर्ड सही फिट हो रहा है, मतलब उसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसको लॉन्ग लेक्चर नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए. तो यहाँ पर भी ये फिट हो रहा है वर्ड, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सॉल्यूशन. पार्सिंग क्या होता है? पार्सिंग का मतलब डिवाइड करना, जो सिंटेक्स होता है पार्सिंग ग्रामर में भी यूज होता है ये वर्ड, ठीक है. डॉगमा का मतलब किसी चीज़ पर अड़ जाना, रिवीलेशन मतलब किसी चीज़ को प्रकट करना. तो सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. द फैमिली स्टूड बिसाइड द ऑफ द ओल्ड मैन एंड टॉक्ड अबाउट ऑल द वंडरफुल टाइम्स दे हैड स्पेंट टुगेदर. क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से आपको? आपको यहाँ पर देखिए एक ये क्लू मिल रहा है कि उन्होंने वो उस ओल्ड मैन के बगल में खड़े थे. द फैमिली स्टूड बिसाइड द ओल्ड मैन, ठीक है. वो फैमिली जो है ओल्ड मैन के बगल में खड़ी थी, ओल्ड मैन की जो फैमिली थी वो ओल्ड मैन के बगल में खड़ी थी और वो क्या बात कर रही थी कि उनके साथ, उस ओल्ड मैन के साथ जो अच्छा समय उन्होंने जो बिताया था उसकी वो बात कर रहे थे. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओल्ड मैन अब एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और उसके साथ जो उन्होंने अच्छा समय गुजारा उसकी ये बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक वर्ड आएगा और इससे रिलेटेड वर्ड क्या है? इससे रिलेटेड वर्ड है ग्रेव. ग्रेव का मतलब होता है कब्र, ठीक है. द फैमिली स्टूड बिसाइड द ग्रेव ऑफ द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन की ग्रेव के बगल में फैमिली खड़ी हो गई एंड टॉक्ड अबाउट ऑल द वंडरफुल टाइम्स दे हैड स्पेंट टुगेदर. तो ग्रेव वर्ड यहाँ पर एकदम सूटेबल है. वो उसकी ओल्ड मैन की कब्र के खड़े थे और उनके साथ जो अच्छा समय गुजारा था उसके बारे में वो बात कर रहे थे. द इंटरनेशनल सिचुएशन इज बिकमिंग, इंटरनेशनल सिचुएशन, देखिए ग्रेव अगर यहाँ पर सही है तो यहाँ पर भी आपको ग्रेव ही लगाना पड़ेगा. ग्रेव का एक मतलब होता है सीरियस. तो इंटरनेशनल सिचुएशन इज बिकमिंग सीरियस, इंटरनेशनल सिचुएशन जो है वो सीरियस होती जा रही है. तो यहाँ पर भी ग्रेव वर्ड सही है और यहाँ पर भी ग्रेव वर्ड सही है. यहाँ पर ग्रेव को हमने एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है कि इंटरनेशनल सिचुएशन जो है, इंटरनेशनल सिचुएशन मतलब एक नाउन है, सिचुएशन एक नाउन है. तो नाउन को हम मॉडिफाई किससे करते हैं? एडजेक्टिव से. तो यहां पर ग्रेव एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहां पर ग्रेव एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है. तो काफी अच्छे ये क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन आगामी बैंक क्लर्क एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ग्रेव. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इन नो केस डिड दीज मेथड्स एंड एफर्ट्स सिक्योर अ लॉन्ग टर्म, यहां पर भी सॉल्यूशन ही आएगा. प्रॉबर्टी का हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देख रहे हैं. एक्सपर्ट्स रिकमेंडेड यूजिंग बोध का एज ए क्लीनिंग सोल्यूशन फॉर डायमंड ज्वेलरी. वही सेम तरीके से सोल्यूशन, एक्चुअली एक सब्सटेंस को भी हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, सोल्यूशन वर्ड का यूज होता है एक सब्सटेंस के लिए, ठीक है. तो एक्सपर्ट रिकमेंड यूजिंग बोध का एज ए क्लीनिंग सोल्यूशन फॉर डायमंड ज्वेलरी, मतलब एक्सपर्ट मानते हैं कि बोधका को, बोधका एक शराब होती है, उसको आप एक क्लीनिंग सब्सटेंस की तरह यूज कर सकते हैं डायमंड ज्वेलरी के लिए, ठीक है. और यहां पर भी सॉल्यूशन वर्ड आ सकता है. इन नो केस डिड दीज मेथड एंड एफर्ट्स सिक्योर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यहां पर भी सॉल्यूशन वर्ड सही है. इसमें एक नेगेटिव फ्रेज शुरुआत में आ रहा है. जब नेगेटिव फ्रेज शुरुआत में आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को हम बाद में लिखते हैं, यानी इसमें सब्जेक्ट इन्वर्जन का रूल अप्लाई हो जाता है. तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर होगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है. आगे बढ़ने से पहले मैं इन नए टारगेट बैचेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा. इसमें एक स्पेशल ऑफर मैं चला रहा हूँ और इन बैचेस को आप अभी, आज कल और परसों तक आप ज्वाइन कर सकते हैं. 15 तारीख इसमें लास्ट डेट है.
लेकिन जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट होंगे उनको हमारी तरफ से एडवांस टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अड्डा 247 की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इन बैचेस को यदि आप ज्वाइन कर करते हैं तो एक ये बैंक प्रो का कोर्स है, ये बैंक पीओ एग्ज़ाम्स के लिए है, इसका फीस 2450 है, एक साल की वैलिडिटी है। और एक ये बैंक क्लर्क का कोर्स है, ठीक है, इसमें पूरा इंग्लिश रहता है और पूरा जीके रहता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव बैचेज हैं, इनकी वैलिडिटी एक साल है। और इन दोनों ही बैचेस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से इन बैचेस को तुरंत आप ज्वाइन करते कर सकते हैं। और यदि 30 स्टूडेंट में आपका नाम आ जाता है तो आपको अड्डा 247 की टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन इसी प्राइस में आपको दी जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेलिंग के क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बैंक क्लर्क में भी पूछे जाते हैं और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। बटालियन की क्या स्पेलिंग है, बटालियन जो आर्मी में होती है तो बटालियन में देखिए सबसे आखिरी में इसमें लायन आता है, LION, तो ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई भी एक है, क्योंकि बटालियन में आखिरी में लायन LION जो शेर वाला लायन है वो आता है। और इसमें शुरू में BATT आता है, BATT बटालियन, बैटालियन नहीं होता, बटालियन होता है। तो सही आंसर होगा इसमें थर्ड, बटालियन की सही स्पेलिंग है BATT LION। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस मतलब जो जो इंडिपेंडेंट है, तो ऑटोनॉमस, ऑटो आता है इसमें पहले ऑटो और नो और मस, ऑटोनॉमस AUTO NOMOUS, सेकेंड स्पेलिंग सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं लगून, ये ज्योग्राफी में एक वर्ड यूज होता है ये लगून, और लगून की सही स्पेलिंग होगी LAGOON लगून। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आइडियलिज्म, पहले आइडियल पकड़िए आप, IDEAL और उसके बाद ISM, IDEAL ISM, सेकेंड सही आंसर होगा। पायरोनिस्ट क्या होता है, पायरोनिस्ट होता है एक्सट्रीम स्केप्टिकल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को डाउट की नजर से देखता है, एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म को हम पायरोनिज्म बोलते हैं। तो पायरोनिज्म में PYRRHONIST, PYRRHONIST पायरोनिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ठीक है, सेकेंड इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये इन क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए थे ये, और आरबीआई असिस्टेंट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बैंक क्लर्क में के लिए भी ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, और यदि आप हमारे टारगेट बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं आज, इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनको आप जरूर ज्वाइन करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।